student, welcome. How are you? I hope you all are fine. Today, I will teach you chapter 2, Nina and the Baby Sparrow. ये चैप्टर में हमें बेबी स्पैरो के बारे में पढ़ना है. स्पैरो आप सबने देखी है ना, छोटी सी ब्राउन कलर की चिड़िया होती है, आपके घर के आसपास भी होती है, कभी कभी वो उड़ के घर में भी आ जाती है ना. तो हम सब ने वो स्पैरो को देखा ही है. अब हम देखते हैं चैप्टर 2, नीना एंड द बेबी स्पैरोस. नीना, वो देर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में सब लोग बहुत खुश थे. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नीना की जो आंट थी उनकी शादी थी. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. नीना, उसके पापा, मम्मी और उसका छोटा भाई सब लोग शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे. एवरीवन वाज हैप्पी. सब लोग घर में बहुत खुश थे एक्सेप्ट नीना. लेकिन नीना बहुत उदास थी. आपके घर में भी किसी की शादी हो तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हो ना, क्योंकि हमें शादी में बाहर जाना होता है, नई नई चीज़ें खरीदनी होती है, तो हम सब भी बहुत खुश हो जाते. इस तरह से यहाँ पर नीना की आंट की शादी थी तो नीना के घर में सब लोग बहुत खुश थे और नीना के मम्मी पापा, उसका छोटा भाई सब लोग शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे. लेकिन नीना क्या थी, उदास थी. तो हम देखते हैं कि वो क्यों उदास थी. हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. नीना की मदर नीना को लेकर मार्केट में गई एक नया ड्रेस परचेज करने के लिए. व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क. मम्मी ने नीना को पूछा कि नीना तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना. मम्मी ने कहा, सॉरी नीना ने कहा, मम्मी मुझे कोई नया ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है. सलवार कमीज देन. मम्मी ने नीना को पूछा कि क्या तुम्हें सलवार कमीज चाहिए. नीना शॉक हर हेड. नीना ने अपना हेड हिलाया और इस तरह से मना किया. What about those lovely white shoes you saw last week? क्या लास्ट वीक तुमने जो white shoes देखे थे, बहुत सुंदर थे, क्या तुम्हें वो खरीदने हैं? I don't want those either. Thank you, mother. नीना ने मम्मी को कहा, मम्मी आपका खूब आभार, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है. नीनाज मदर वॉज अपसेट. नीना की मम्मी भी उदास हो गई. बट सी सेड नथिंग. लेकिन वो नीना को कुछ भी नहीं बोली. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. नीना की मम्मी और नीना दोनों घर पर वापस आए और उन्होंने लंच किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना. लंच के बाद नीना की मम्मी नीना के पास जाकर बैठी. व्हाट इज इट चाइल्ड, सी आस्क. नीना की मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बच्चा. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग. तुम क्यों सब चीज़ लेने के लिए मना कर रही हो, क्या हुआ है, तुमने क्यों कुछ भी नहीं परचेज किया. आप लोग भी जब सैड होते हो, ठीक है, मम्मी आपको मार्केट में कुछ खरीदने के लिए ले जाए और आप लोग भी मना करो कि मुझे कुछ भी नहीं लेना है, तो मम्मी को लगेगा ना कि हर बार तो ये सब कुछ लेने के लिए बोलती है, लेकिन आज ये क्यों मना कर रहे हैं. तो आपकी मम्मी भी आपको पूछेगी कि बेटा आपको क्या हुआ है, आप लोग क्यों मना कर रहे हो कि हमें कुछ भी नहीं लेना है. इस तरह से नीना की मम्मी भी नीना को बोल रही थी कि तुम्हें क्यों कुछ नहीं लेना है. मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. मम्मी, मैं शादी में जाना नहीं चाहती हूँ. बट वाई, लेकिन क्यों. नीना सेड नथिंग. नीना ने कुछ नहीं कहा. इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. लेकिन उसके आंखों में से दो बड़े बड़े आंसू निकल के चीक्स के ऊपर गिरे. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मम्मी ने दोनों हाथ से नीना को पकड़ा और पूछा, डोंट क्राई.
माय पेट सी सेड। मम्मी ने बोला, मत रो बेटा, क्या हुआ? व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बदरिंग यू? मम्मी ने पूछा, बेटा तुम क्यों बहुत अपसेट हो, क्यों बहुत चिंतित दिख रही हो, क्या हुआ मुझे बताओ। आप भी इस तरह से कुछ बोलोगे नहीं और रोने लगोगे तो आपकी मम्मा भी आपको बोलोगी ना पास में लेकर कि बेटा क्या हुआ बताओ मुझे, आप लोग क्यों इतने टेंशन में हो, है ना। आपकी मम्मी भी आपको इस तरह से पूछती है। उसी तरह से मीना को भी उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा मत रो, क्या हुआ मुझे बताओ। मोर टीयर्स रोल डाउन मीनास चीक्स। मीना की आंख में से और बड़े बड़े आंसू निकलने लगे। मदर सी सेड, देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेफ इन माई रूम। मीना ने अपनी मम्मा से कहा कि मेरी जो बुक सेफ है, मेरा जो बुक का कबाड़ है, उसके ऊपर स्पैरो का नेस्ट है। देखो हमें वहाँ पिक्चर में दिख रहा है ना स्पैरो का नेस्ट, इसमें टू बेबी स्पैरो दिख रहे हैं ना, छोटी छोटी स्पैरो दिख रही है। तो वो बोल रही है कि मेरी बुक सेफ के ऊपर मेरे रूम में स्पैरो का नेस्ट है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और वो नेस्ट में टू बेबी स्पैरो है, ठीक है। आई सी सेड मदर। मम्मी ने बोला, ठीक है अब मुझे पता चला कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक देम सो हंग्री, ठीक है। तो नीना बोल रही है कि मम्मी अब उसके थोड़े थोड़े पंख निकल रहे हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगेंगी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो वो पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, तो खाने के लिए वो लोग रोएंगे और चिप चिप कर कर खाना खाने के लिए बुलाएंगे उसकी मदर को। आई सी सेड मदर। मम्मी ने कहा, हाँ ठीक है अब पता चला तू क्यों टेंशन में है, ठीक है। जैसे हम लोग भी ग्रो हो रहे, धीरे धीरे हम भी बड़े होते हैं तो हमको भी ज़्यादा भूख लगती है ना। हम छोटे होते हैं तब थोड़ा सा ही खाते हैं, फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आप लोग बाहर खेलने जाते हो, है ना, खेल कर आते हो तो आपको भूख लग जाती है ना, आते ही तुरंत कैसे चिल्लाते हो, मम्मी मुझे खाना दो, मम्मी मुझे खाना दो, है ना। इस तरह से ये बर्ड्स में भी ऐसा होता है, सबको भूख लगती है ना। तो चिड़िया भी बड़ी हो रही है तो उनको भी ज़्यादा भूख लगेगी, तो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो वो खाने के लिए मांगने के लिए चिल्लाएगी। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। हम लोग तो जाएंगे तो पूरे जगह को लॉक करके जाएंगे, बाहर से रूम को लॉक करके ही जाएंगे ना। हम लोग कई बार जाते तो घर को लॉक लगाते ना, इसी तरह से। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। हम पूरी घर को लॉक करके जाएंगे तो मम्मा एंड पापा स्पैरो है, वो लोग आकर अपने बेबी को कैसे खाना खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। नीना की मम्मी ने एक बड़ा सा हक दिया नीना को और बोला, अरे नीना तुम इतना सोचती हो। और नीना की मम्मी की आंखों में से भी आंसू निकल आए। Is that why you don't want to go to the wedding? तुम इसीलिए शादी में आना नहीं चाहती हो। But that's no problem at all. नीना की मम्मी ने बोला, लेकिन तुम परेशान मत हो, कोई मुश्किल नहीं है। We shall leave the window open. हम लोग विंडो ओपन रख कर जाएंगे। Oh, can we mother? Can we really? जो नीना है वो अपनी मदर को बोल रही है कि क्या सच में मम्मा ऐसा हो सकता है, सच्ची में हम लोग विंडो ओपन कर कर जाएंगे। यस यस वी शैल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हम लोग रूम में से सारी चीज़ें दूसरे रूम में बाहर रख देंगे और रूम को बाहर लॉक कर देंगे और विंडो को ओपन रख कर जाएंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली। तो पूरा घर सेफ हो जाएगा कि रूम में से सारी चीज़ें हम निकाल देंगे, इसलिए वहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो आसानी से विंडो में से मामा और पापा स्पैरो है वो आकर फ्रीली से अपने जो बेबी स्पैरो है उनको खाना खिला पाएंगे। जस्ट